हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल केबड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए ऑक्टा एपेक्स ब्रोकर हमारे लिए कितना लेवरेज देता है और कितने लेवरेज को हमें यूज करना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे अगर आप फॉरेक्स में बिगिनर फेसर ट्रेडर हैं, $100 को डिपोजिट करके आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम कितने लेवरेज के साथ कितना लॉट साइज यूज कर पाएंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप बिगिनर फेसर ट्रेडर हैं तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए, लर्निंग के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं ऑक्टा एपेक्स को ओपन कर लिया हूँ। अगर अभी तक आपने ऑक्टा एपेक्स में अकाउंट नहीं बना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ऑक्टा एपेक्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ से ऑक्टा एपेक्स को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस फेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे रियल एंड डेमो, दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक प्लस वाला आइकन नज़र आएगा, तो सिंपली आपको प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, तो कुछ इस तरीके का नया एक पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्टा एफएक्स MT4, यानी आप ऑक्टा एफएक्स में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे, साथ ही साथ मेटा ट्रेडर 4 में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। यानी ऑक्टा एफएक्स अकाउंट से ही आप मेटा ट्रेडर 4 में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा मैक्सिमम लेवरेज। आप मैक्सिमम लेवरेज यहाँ पे कितना यूज कर पाएंगे तो गाइस आप साफ साफ यहाँ पे देख पाएंगे ऑक्टा एपेक्स आपके लिए 1:500 का मैक्सिमम लेवरेज देता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 1:500 का लेवरेज यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करके आगे चले जाना है। जैसे दोस्तों आप आगे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप गौर करिए अकाउंट टाइप्स, यानी दो तरीके के अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे रियल, दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक डेमो का ऑप्शन भी नज़र आएगा। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दोस्तों, तो कुछ दिन के लिए आपको डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। इसके बाद ही आपको रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली दोस्तों रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए सबसे पहले आप डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करिए, सीखिए, समझिए और इसके बाद आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग कीजिए। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लेवरेज का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप लेवरेज के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हर तरह का लेवरेज नज़र आएगा। अगर यहाँ पर मिनिमम लेवरेज की बात करें तो 1:1 लेवरेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 1:5 लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 1:15 लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, यानी मैक्सिमम जो लेवरेज आप यूज करेंगे 1:500 यूज कर पाएंगे। अब आप सभी के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कितने लेवरेज को हमें सेट करना है। यहाँ पे हमें, अगर आप बिगिनर फेसर ट्रेडर हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 1:100 का लेवरेज सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग से कुछ सीखेंगे और आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप अच्छा प्रॉफिट कमाने लगेंगे, इसके बाद आपको 1:500 का लेवरेज यूज करना चाहिए। यानी स्टार्टिंग में आपको 1:100 के लेवरेज को सिलेक्ट करना चाहिए और इसके बाद आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने 1:100 का लेवरेज सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ से आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑक्टा एपेक्स ऐप से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ मेटा ट्रेडर 4 में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऑक्टा एपेक्स में जाएंगे, ऑक्टा एपेक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम किसी भी करेंसी पेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने यूरो यूएसडी पेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे $100 के अकाउंट को, सपोज करिए आपने यहाँ पे $100 का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है, यानी आपने सबसे पहले $100 डिपॉजिट किया है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए और आपने जो लेवरेज सेट किया है वो किया है 1:100। ठीक है, तो आप यहाँ से कितना लॉट साइज यूज कर पाएंगे, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों अगर आपने $100 यहाँ पे डिपॉजिट किया है
और लेवरेज जो आपने सिलेक्ट किया है 1:100 का लेवरेज आपने सिलेक्ट किया है, तो आप लॉट साइज जो यूज करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम लॉट साइज आप यूज़ कर सकते हैं 0.10 लॉट साइज, इससे ज़्यादा लॉट साइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे अगर आप यहाँ से $200 यहाँ पे 200 मान लेते हैं, $200 का आप डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आप 0.20 लॉट साइज आप यूज कर पाएंगे, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लेवरेज को बढ़ाते हैं तो आपका यहाँ पे लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी आपका यहाँ से बढ़ता है, यानी कि जितना बड़ा आपका लेवरेज रहेगा उतना बड़ा आपका लॉस और उतना बड़ा प्रॉफिट रहेगा। सपोज करिए दोस्तों अगर आप यहाँ से लेवरेज को 1:500 रखते हैं, 1:500 रखते हैं तो आप यहां से लॉट साइज कितना यूज कर पाएंगे, अगर आप 1:500 रखते हैं तो आपका लॉट साइज रहेगा 0.50 का लॉट साइज आपका रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लॉट साइज को यूज कर पाएंगे $100 के अकाउंट में या फिर $200 के अकाउंट में। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑक्टेपेक्स में लेवरेज को यूज करना है और कितना लॉट साइज आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा, थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर नई और भी एक लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।